न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो न्यूक्लियस का मास को न्यूक्लियस के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो न्यूक्लियर डेंसिटी। तो ये देखो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 4/3 πr³, लेकिन r की वैल्यू क्या होती है, अभी कैलकुलेट की, r नॉट a रेज टू पावर 1/3, सॉल्व करके क्यूब करके ये टर्म आ गई, वॉल्यूम आ गया। एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास अगर m है, और कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, एक न्यूक्लियॉन्स हैं, तो m में उसका टोटल मास है, तो आपके पास टोटल मास आ गया m में, और आपके पास टोटल वॉल्यूम ही आ गया। तो अगर आप इन्हें डिवाइड कर लें, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या आ जाएगी, इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी आ जाएगी। दैट्स इट।